एक स्टडी में ये पाया गया है कि आपके दिल का अटैचमेंट जहां पर बहुत ज्यादा होता है ना, उसे देखने के लिए आप लॉन्गिंग बढ़ जाते हैं, और सोशल मीडिया पर आपको उसके रिलेटेड कुछ दिख जाए तो आपके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो उसका अगर आपको फोटो या कोई शॉर्ट वीडियो दिख जाए तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जो भी सोच रहे हैं या कोई वॉर कर रहे हैं उसे भूलकर आप एक अलग सी खुशी में चले जाते हैं। और ये तो आपको पता होगा ना, सोशल मीडिया पर आप किसके फोटो ज्यादा लाइक करते हैं, जो आपको दिल से अच्छा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि ये सोशल मीडिया पर आपके साथ ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी यही होता है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ऐसा आपके साथ होता क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसे होने से आपके साथ हो क्या रहा है। अब देखो दोस्त, मैंने फेक हैप्पीनेस की बात तो कर दी है ना, जो कुछ टाइम की मिलती है, रियल में वैसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है आपके साथ, दिल से जो आप चाहते हो उसका फोटो आपको दिखा तब तो खुश होगी, लेकिन उसके बाद भी वो फेक हैप्पीनेस रहेगी। ये आपके साथ जरूर होता है, किसी का आपने अगर फोटो देखा उसके बाद आप सोचोगे, बार बार सोचोगे, और क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता है। ये आपको अच्छे से पता है कि आप क्या सोचते हैं, और यहीं पर आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। आप स्टडी करना चाहते हैं और उसका फोटो दिख गया, उसके बाद स्टडी तो कर रहे हैं, किताब तो हाथ में पकड़ी है, लेकिन सोच रहे हैं उसके बारे में। रात को कोई बंदा सोना चाहता है ना, सोने से पहले किसी का फोटो देगा, मतलब जिसे वो चाहते हैं। अब नींद आने लगेगी उनको तो उसकी इमेज उनके माइंड में फिर आएगी, सपने में भी वही आएगा। हाँ ये मुझे पता है आपको खुशी मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी खुशी है ना जिसका ना सिर है ना पैर है। अब आप डिसाइड करो, क्या आपको ऐसी खुशी चाहिए जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो रियल में कभी एग्जिस्टेंट हो ही नहीं सकता। ये मैं सच कह रहा हूँ, आज की रियलिटी है। अगर कोई बंदा किसी लड़की की फोटो पर कमेंट करता है ना या लाइक करता है तो वो सोचता है कब वो रिप्लाई करेगी, और बार बार उसके फोटो चेक करता है कि रिप्लाई आया कि नहीं आया। जब देखेंगे नहीं आया तो दुखी पड़ जाएंगे। बहुत गलत होता है आपके साथ, और उसकी याद में कुछ बंदे गलत भी करते हैं। जब उनके साथ वो सही नहीं होता है ना तो गलत करते हैं। किसी की याद में वो स्मोकिंग करना, सुट्टे मारना, ये काम है ना, और साथ में कुछ बंदे ब्रह्मचर्य नाच भी करते हैं। चलो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा आप मत करो, मेरा ना कहने का मतलब इतना ही है कि इस तरह से आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और खुद की इंसल्ट। ऐसे फालतू के चीजों पर अपना ध्यान मत लगाओ। ये अपने मोबाइल फोन पर आप जो भी देखते हो ना, सब फेक है। तुम बार बार किसी लड़की की फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। मैं किसी लड़की की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग फिर भी मुझे गलत कमेंट करेंगे। आप खुद समझ गए होगे ना कि आप बर्बाद कैसे होते हो। वो अंदर से पावरफुल विचार नहीं आएंगे, वो फेक आएगा, सब कुछ फेक। मुझे पता है ऑलरेडी बहुत बंदे ऐसे करते हैं। अब आपको बुरा लगा है या अच्छा लगा है मुझे नहीं पता, आपको जो भी लगा है, आप कुछ भी करो, जो भी बोलना है मुझे बोलो, लेकिन ऐसा ही होता है।